अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि कुरुक्षेत्र मेरा जन्म स्थान है और अम्बाला मेरा कर्मस्थल यानी लोकसभा क्षेत्र है। सांसद कटारिया ने कहा कि आगामी 29 नवंबर को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी और कई बड़ी सौगातें प्रदेशवासियों को मिलेंगी। उनके साथ प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व अनेक मंत्री भी होंगे। सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि 7 दिसंबर से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हवाई अड्डा मिलना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को मैं लोकसभा में उठाऊंगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में 8 दिसंबर को भाजपा का कमल खिलेगा, ऐसा दावा लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने किया। उन्होंने कहा कि आज करोड़ों रुपए के कुरुक्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का नाम आज विदेशों में पहुंचा हुआ है। जो सुंदरता देखने को मिल रही है, मैं भी लगभग 60 सालों से बाल्यकाल से ही यहाँ पर आता रहता हूँ, लेकिन जितना व्यवस्थित, जितना लोगों में क्रेज अब की बार देखने को मिल रहा है, तो उससे लगता है कि दुनिया के लोग अब भारत की संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये तो सारी दुनिया में ही लोकप्रिय होता जा रहा है। जिस तरह से इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अपने यहां गीता रखी है, अभी कनाडा की पार्लियामेंट ने अपने यहां गीता रखी है, अभी ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने जा रहा है और इसके महत्व को देखते हुए भारत की प्रथम नागरिक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 29 तारीख को इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लेने के लिए आ रही हैं। 19 तारीख को जितनी ये मेला शुरू हुआ, उस दिन लोकसभा के स्पीकर आदरणीय श्रीमान ओम बिरला जी 19 को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे। और खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।